अच्छा, थोड़ा सा कमिंग सम पॉलिटिकल वो हैपनिंग्स जो हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, कोई अंदर की खबर आपके पास? नून लीग क्या करने वाली है? ये जो मियां साहब की डेडलाइन वाला मामला है, किस चीज के हवाले? ये जो मियां साहब की डेडलाइन वाला मामला है, मतलब अच्छा, कोई लीगल आप समझती हैं? जी देखिए, इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो आज 7 सितंबर है, तो आज तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं जो मोहलत, जो डेडलाइन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यशफीन, सो ये तो तय है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, क्योंकि जो लाहौर में इजलास हुआ था शहबाज शरीफ के चेयर में, उसमें यही बात की गई थी कि जी बड़े मियाँ साहब अपनी सेहत पर तवज्जो दें और जब तक डॉक्टर्स ना कहें तब तक पाकिस्तान ना आएँ। तो इतनी जल्दी तो डॉक्टर अभी कह भी नहीं सकते, कोई ओपिनियन दे भी नहीं सकते, तो ये तो वाज़े है कि नवाज शरीफ 9 सितंबर से पहले सरेंडर नहीं करने वाले और 10 को अदालत के सामने पेश नहीं होने वाले। आज ख्वाजा हारिस जो है वो अपनी बाकी जो लीगल टीम है, जो नवाज शरीफ की पूरी लीगल टीम है, इस वक्त जबकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये मैं आपको अंदर की खबर दे रही हूँ कि इस वक्त वो सारे बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि जी क्या लीगल स्टैंड लेना है, क्या लीगल ऑप्शन लेकर जाना है। और जो मेरे पास थोड़ी बहुत इत्तलात हैं उसके मुताबिक मेडिकल बुनियादों पे ही जो कानूनी उजर है या जो आप उसे कह दें कि सूरत हाल है नवाज शरीफ की, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी जाएगी कि देखें जी जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसमें कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे जब तक डॉक्टर्स ना कहें, तो ये देखें इनके डॉक्टर्स अभी तक तसल्ली बख्श नहीं करार दे रहे की हालत या जो भी सिचुएशन है, तो मेडिकल बुनियादों को जो है ग्राउंड बनाया जाएगा, एग्जेम्पशन मांगी जाएगी। अब वो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में। अब देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ का वो जो भी उनका कानूनी उजर होगा, जो भी चीजें होंगी उसको तस्लीम करती है या नहीं करती। अगर करती है यशफीन तो वेल एंड गुड नून लीग के लिए, अगर नहीं करती देन नवाज शरीफ एंड नून लीग वुड बी इन अ मेजर ट्रबल, ना सिर्फ सियासी साख, बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली यू नो दैट। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आप खुद भी इन चीजों को फॉलो कि थोड़ा सा मरियम नवाज की सियासत का मैं चाहती हूँ आप एनालिसिस करें। एक पैटर्न है मरियम की पॉलिटिक्स का जो सामने बार बार आता है कि वो जब भी सामने आती हैं, आना चाहती हैं, तो वो बड़ी बोल्ड होती है। हाँ, यही वाला पैटर्न, बिल्कुल यही वाला पैटर्न है। और जब वो नहीं आना चाहती जल्दी बुझती। इसके पीछे क्या, ये कोई कॉम्प्रोमाइज है, ये कोई स्ट्रेटजी है, ये कोई बड़ी वेल थॉट आउट वो है तरीकाकार है, ये क्या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई स्ट्रैटेजी है। अगर ये स्ट्रैटेजी है भी, नून लीग की कोई डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है, तो आई एम सॉरी टू से दिस इज अ वेरी फेल्ड स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये काम नहीं कर रही। इस वक्त नून लीग में पिछले 1.5 साल से जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का जो एलिमेंट है और जो एक तासुर है नून लीग के अंदर, या जो बेशक टेलीविजन चैनल्स पे ना कहें, टॉक शोज में ना कहें, बट उनके जो MPAs MNAs हैं वो हमसे जब मिलते हैं तो वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं। वो कहते हैं जी हमें पता नहीं चलता हम किसकी बात माने, हमें खुद नहीं पता आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक कि एक बड़े सीनियर बंदे से मेरी बात हुई, बहुत सीनियर नून लीग के वो बंदे हैं, MNA भी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहने लगे, मैंने कहा जी आप अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना गिरा पाए, जो आप लोग APC कर रहे हैं नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप गिरा देंगे गवर्नमेंट या तो आप नहीं गिराएंगे। ना गिरा सके तो फिर कहने के कोई नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे, हमें पता है कि हम ना भी गिरा सके, हम नहीं भी गिरा सकते, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। तो मतलब ये जो एक 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 अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है नून लीग के अंदर, ये वही सारा उसमें से स्टेम आउट कर रहा है कि नवाज शरीफ यहाँ पर है नहीं, मरियम नवाज लीडिंग कंडीशन में है नहीं, लीडिंग सिचुएशन में नहीं है, ऑन एंड ऑफ। जब आई थी नैब के सामने उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर शो की, लेकिन वो भी ज़ाहिर है नून लीग के गले पड़ गई। शहबाज शरीफ उसने बिल्कुल स्टैंड नहीं किए अपनी भतीजी के साथ, बिल्कुल खामोश हो गए थे वो। तो आप कैसे उस एपिसोड को देखती हैं, क्योंकि शेख रशीद ने भी अभी 1-2 दिन पहले ये बयान दिया कि बिल्कुल मायूस हो गई थी, तो खुद ही पत्थर बरसवा दिए, तो इसको कैसे देख रही हैं आप? शेख साहब ने तो यशफीन मेरा ख्याल है कि सियासी बयान दिया, और शेख साहब इस किस्म की सियासी फुलझड़ियां छोड़ते रहते हैं, कभी कभार बहुत वो अंदर की मजे की पते की बात भी कर जाते हैं, और बहुत दफा उनकी बातों में कुछ अंदर की बात छुपी होती है, बट ये वाला जो उनको स्टेटमेंट है ये वैसी एक सियासी फुलझड़ी है या सियासी शोशा आप इसे कह लें, जो तफरीह तबाह के लिए या इजराह तफन्नुन शेख साहब ने जो है वो फेंक दिया। बट द पॉइंट इज कि मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज को अगर आइंदा का वज़ीर आज़म बनना है या नून लीग की कमान संभालनी है शहबाज शरीफ फैमिली के बरक्स या उनके मुकाबले में, तो फिर मरियम नवाज को हर सूरत में एक्टिव सियासत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप इस वक्त सिर्फ वाकयाती सियासत करें या आप सिर्फ इवेंट बेस्ड सियासत करें कि जब इवेंट हो तो आप बोलें, उसके बगैर आप खामोश रहें। अभी बयान नून लीग के किसी बंदे का आया तो है कि जी मरियम नवाज एक्टिव हो जाएंगी, बट वो तो हम पिछले 1.5 साल से सुन रहे हैं कि वो एक्टिव हो जाएंगी, वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई सियासत में। तो मरियम नवाज अगर लॉन्ग टर्म अपना कुछ देखती हैं या समझती हैं कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनना है आइंदा कभी भी, या नून लीग की कमान संभालनी है, सेंट्रल कमान, तो फिर मरियम नवाज को इन सब चीज़ों से, डील के तासुर में से, कंप्रोमाइज के तासुर में से, जैसे आपने कहा, या किसी भी मसले के तासुर में से, जब आप सियासत में आते हैं, जब आप लीडरशिप का इरादा रखते हैं, तो फिर हमने दुनिया भर की मिसालें देखी हैं। अब वो मिसालें आपके सामने यशफीन कहना शुरू करूंगी तो 15 मिनट आपके नाकाफी हो जाएंगे। बट फिर लोग अपने फैमिलीज तक को कुर्बान कर देते हैं, फिर लोग अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, वालिदैन, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, फिर ये चीजें माइनस हो जाती हैं। आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देखिए कि ये बहुत सारे रेंज ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हम ऑन ऑफ की बात कर रहे हैं वो हो सकती है। मरियम का जो तर्ज सियासत है, क्या उसके अंदर वन ऑफ द फैक्टर्स रिफ्ट विद शहबाज शरीफ भी है? मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ के साथ रिफ्ट मरियम नवाज की खामोशी की वजह हो सकता है, क्योंकि ये रिफ्ट चाहे इसको तस्लीम किया जाए ऑफिशियली या ना तस्लीम किया जाए, बट ये बरकरार है और ये हमेशा से बरकरार रहा है। इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि जाहिर है नून लीग के लिए सियासी तौर पे अपेरेंटली फ़ायदेमंद नहीं है, वर्कर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बट ये खामोशी मेरा ख्याल है इस रिफ्ट की वजह से नहीं है, क्योंकि ये रिफ्ट तो उस वक़्त भी थी जब नून लीग विफाक में हुकूमत में थी। उस वक़्त भी शहबाज शरीफ साहब के बहुत सी एडवाइसेस पे मरियम नवाज साहिबा को जो है एतराज़ होता था या उन्हें कंसर्न होता था, और इसका बरमला इजहार भी करती थी। जो पार्टी मीटिंग्स होती थी या जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती थी या नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या हाउस में करते थे। सो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से रिफ्ट इस खामोशी की वजह है। और मरियम नवाज पर्सनली वो ऐसी शख्सियत नहीं है जो किसी के साथ इंटरनल रिफ्ट की वजह से खामोश हो जाए। इस वक्त जो तासुर जो मजबूत पकड़ जो तासुर मजबूत हो रहा है वो यही है कि या तो डील है या कोई कंप्रोमाइज है या कोई मसलहत है, जिसके वजह से मरियम नवाज खामोश हैं और नवाज शरीफ बाहर हैं। और मरियम नवाज अगर बोलती भी हैं तो वो इतना बोलती हैं कि जितना बर्दाश्त हो सके या उतने टाइम के लिए बर्दाश्त किया जा सके। जैसे वो नैब में गई तो वहाँ कुछ टाइम के लिए बोली, फिर वो यहाँ पर आई भारा का तो वहाँ पे कुछ बातें उन्होंने की, कुछ नासिम बाजवा के मुताबिक उन्होंने बात की। तो वो उतना बोलते हैं जितना के उस लम्हे के लिए, उस वक्त के लिए बर्दाश्त किया जा सके, उसको कंटिन्यूस हैमरिंग नहीं करती। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन का दौर था तो मरियम नवाज एक टोटली डिफरेंट मरियम नवाज थी। बिल्कुल, वो इस कदर बोल्ड थी, इस कदर आउटस्पोकन थी, वो बहुत सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करती थी। बल्कि एक अब ऑलमोस्ट आखिरी सवाल भी इसी के साथ जोड़ के कर लेती हूँ आपके साथ के 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हम मुसलसल सुन रहे हैं वक्त पूरा नहीं करेगी, मुद्दत पूरी नहीं करेगी। 2 साल तो गुजार लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। मरियम की खामोशी के पीछे एक रीज़न ये भी है जो कि मरियम बार बार कहती हैं कि हम चाहते हैं कि अपनी गलतियों के बोझ के तले दबें, बजाय इसके कि हम इनके खिलाफ कैंपेन करते हुए नजर आएँ। सो एक तो इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी कॉमेंट करें, और दूसरा कि आप भी देख रही हैं कि हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी। अच्छा, मैं वही आपसे पूछने लगी थी कि आपने इमरान खान साहब पीटीआई के बारे में कोई सवाल नहीं करना, बिकॉज वो जरूर होना चाहिए था। अच्छा मरियम, देखिए एक वक्त एक तासुर ये तो है जो कि ऑपोजिशन के बाकी लोग भी निजी महफिलों में कहते हैं कि जी नून लीग शायद सहूलतकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि वो मेक श्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5 साल पूरे करके जाए, उनकी तरफ से कोई जारहाना ऑपोजिशन नहीं हो रही। अब देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बुलवाई है जरदारी हाउस में एपीसी, नून लीग उसमें क्या करती है, उसके बाद किस तरह से सामने आती है। बट मैं समझती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी, ऑपोजिशन नहीं गिरा सकती उनको, बिल्कुल करेगी एब्सोल्युटली। चाहे आप आज लिख के रख लें, 5 साल बाद, 3 साल बाद आप दोबारा ये व्लॉग करें, बल्कि आई होप, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप किसी चैनल पे आ जाएंगी तो कहीं पर भी आप बेशक बात करें। बट इमरान खान साहब अपना टाइम पूरा करेंगे 5 साल का, और अगर ऑपोजिशन की यही परफॉर्मेंस रही तो इमरान खान साहब अगले 5 साल भी सिक्योर करने में कामयाब हो सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि इमरान खान साहब को टाइम मुकम्मल देना चाहिए। गलतियां हुई हैं, हुकूमत से जाने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, खाली ऑपोजिशन नहीं है इस मुल्क में, आप भी जानते हैं। तो वो फैक्ट उन फैक्टर्स में से कोई फैक्टर इन प्ले आता हुआ तो कहीं नहीं देखती हैं। वो जो बार बार कहा जाता है एक पेज पर है, एक्सीलेंट रिलेशनशिप है, इदारे सब साथ हैं, हम सब एक साथ हैं, वो एक पेज तो कहीं आपको आगे पीछे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं जैसे आपसे कह रही थी कि गलतियां हुई हैं, कहीं कहीं स्टम्बलिंग हुई है, लड़खड़ाई भी है, कुछ कुछ जगहों पर एक पेज जो है वो अगले पेज की तरफ वर्का उलटता हुआ महसूस भी हुआ है, लेकिन फिर वापस रख दिया जाता है, वापस वहीं पे एक पेज पे वापस आ जाता है। सो इस वक्त तक जब कि आप और मैं बात कर रहे हैं, या कम से कम इस साल के आखिर तक, तो हमें कोई फैक्टर ऐसा नजर नहीं आता जो कि स्टम्बल हो। और मुझे लगता है, मेरा एनालिसिस यही है कि इमरान खान साहब सेफली अपने 5 साल पूरे कर जाएंगे। सबसे बड़ी जो इस वक्त कंसर्न होना चाहिए वो इकोनॉमी का होना चाहिए और महंगाई का। बिजली, गैस, आम चीजों की महंगाई वो अभी भी बहुत ज्यादा है, 8% है, 14 से 8 आई है, बट ये 6% से, बल्कि शायद उससे भी कम, 4% थी या समथिंग थी, उससे गई है ये 14% पे। तो इन चीजों को अगर इमरान खान साहब ने कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमी को अच्छे ट्रैक पे डाल दिया, तो फिर आप 3 साल भी मुकम्मल करेंगे, फिर आप अगले 5 साल भी इमरान खान साहब को देने के लिए मेंटली तौर पे तैयार हो जाए। और कम से कम ये 5 साल तो मुकम्मल होने चाहिए। पाकिस्तान में आपको पता है ये तमाशा खत्म होना चाहिए कि आपको कोई शख्स पसंद नहीं है, आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है, आप कहीं इसको उतारो जी, उसके लिए आप बहाने बनाएं, उसके लिए आप एक्सक्यूजेस घड़े, ये तमाशा बंद होना चाहिए। अवाम को डिसाइड करना चाहिए कि जी उन्होंने कब किस गवर्नमेंट को खुदा हाफिज कह देना है। इसीलिए अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में बिठाए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें हर 2-2.5 साल बाद किसी वज़ीर-ए-आज़म को उतार के नीचे फेंक दो, ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट्स ने मुद्दतें पूरी की हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की थी, बट अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स भी अपनी मुद्दत पूरी करें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नून लीग के हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, प्राइम मिनिस्टर्स भी अपनी मुद्दत पूरी करें। इस मुल्क में डेमोक्रेसी को स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मुल्क चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच गरीदा। वक्त कम था वरना मैं बात करती और आपको हम तंग करते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से। आपका एनालिसिस एब्सोल्युटली एंड माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।